बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। हम मैं कहना भूल गया कि इस रैली के लिए इनके पिताजी बिहार के जाने माने नेता आदरणीय लालू जी ने भी इस रैली के लिए अपने शुभकामनाएं भेजी हैं। हम उनको बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभियान समिति के तरफ से उनको भी धन्यवाद देते हैं। अब इस देश के जाने माने नेता, पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले, इस देश में मंडल मसीहा के नाम से जाने जाने वाले इस देश के राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद यादव जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आकर कांग्रेस पार्टी के इस रैली को संबोधित करें। आज के इस महती सभा के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, मीरा कुमार जी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी, अहमद पटेल जी, मीरा कुमार जी, बिहार विधानसभा के तेजस्वी और लड़ाकू नेता प्रिय तेजस्वी जी, सभी मंच पर बैठे हुए और सामने आए हुए भाई और बहनों, आज देश बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। संविधान खतरे में है, किसान मजदूर हालात उसके बयान नहीं हो सकते, बेकारी और बेरोजगारी पूरे देश में, आज नौजवान बेबसी का घर में भी और बाहर भी, लोकतंत्र खतरे में है, बोली खतरे में है, ये संविधान आइन जिसके लिए इतनी कुर्बानियां हुई, एक किताब और संविधान है जिसमें 135 करोड़ लोगों की सड़क, पानी, बिजली, खेत खलियान, इज्जत मान सम्मान, ये आईन और संविधान में 125 करोड़ जो जिंदा हैं, उनकी हर तरह की एक ही किताब है। इतनी कुर्बानी के बाद ये हमारे हाथ और हमारे पुरखों ने हमारे सौंपी है, आज ये खतरे में है। यहां जो आए हुए नौजवान किसान मजदूर साथियों, भारत में आज आपातकाल नहीं है, अघोषित आपातकाल है। एक दिखता था, ये दिखता नहीं है। अभी तेजस्वी जी यहां बोल रहे थे, ठीक कह रहे थे, वो हालात बहुत गंभीर हैं। हम जो रैली कर रहे हैं, ये सिर्फ सिर्फ ये जो लोग हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्हें जो इन्होंने किया है 70 बरस में कभी नहीं हुआ, इनको रुखसत करना है, इनको सरकाना है, इन्हें हटाना है और चारों तरफ खेत खलियान जगाना है और भारत के संविधान को बचाना है। आज हर नौजवान किसान मजदूर ये जान ले, चारों तरफ विरोधी दल के नेताओं को जेल के अंदर, सीबीआई, इनकम टैक्स, आरबीआई, सारी संस्थाएं आज पूरी तरह बर्बाद की जा रही है।
इतनी कुर्बानी के बाद भारत का लोकतंत्र जो है आप और हमारे हाथ में आया है। ये बैलेट पेपर, ये वोट 19 के बाद खतरे में है। सबसे ज्यादा आज इतने नेता आपके पास आए हैं, आपके पास बैलेट पेपर है, जनता के पास और भारत के संविधान में, आईन में जनता मालिक है, वो मालिकियत खतरे में है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतने कहूंगा, कल उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यहाँ डेमोंस्ट्रेशन हो रहा था, यहाँ की सरकार यही अगस्त 15 में यही जुलूस था, जीत का जुलूस था, जश्न था, महागठबंधन की सरकार बनी थी। हमारे कुछ मित्र जो हैं वो 11 करोड़ लोगों के साथ जो वादा हुआ था उसे कुचल करके, उसे विश्वास को तबाह करके, पलटी मार करके, ये वहां जो विरोध में बैठने के लिए जिनको कहा था उनके साथ मिलने का काम किए। लोकतंत्र में जनता मालिक है। 11 करोड़ लोगों का जो जनादेश था उसे जिन लोगों ने बदला है उन्हें बदलना है, यही नहीं बदलना है। ये एनडीए के सरकार 24 घंटे लिंचिंग कर रही है, दंगे फसाद कराना चाहती है, मंदिर मस्जिद के नाम पर ये चारों तरफ देश में ये नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। जो नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ और ताकत के साथ जुड़ना चाहिए, आज वहां तबाही मची हुई है। उस दौर में आज जो रैली यहां हो रही है और उस रैली में राहुल जी आए हुए, मैं कहना चाहता हूं आज कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी की पार्टी है। आजादी खतरे में है, संविधान खतरे में है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इतिहास ने कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के सर पर डाली। जो सारे विरोधी दल के लोग हैं मैं उनसे भी विनती करना चाहता हूं, देश संकट में है, देश की हर चीज, हर संस्कृति, हर सजीव बर्बादी के कगार पर है। इसलिए सब लोग मिलकर के इस सरकार को एक वोट भी नहीं देना चाहिए। इसको दय जय दय यानी पूरा तरह से अब तो ठप्पा नहीं लगता, दय बटन दय बटन दय बटन लस्ट पस्त कर देना है और इन्हें बाहर निकालने का काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। सीपीआई के सेक्रेटरी, बिहार प्रदेश के जाने माने नेता आदरणीय सत्यनारायण सिंह जी से मैं आग्रह करता हूं कि कांग्रेस की रैली को आके आप कम समय में संबोधित करें। आदरणीय सत्यनारायण बाबू, अध्यक्ष जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी, शरद जी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी, कांग्रेस के 3 राज्य के मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, और इस सभा में आए हुए मजदूर, किसान, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आज गंभीर संकट के दौर से देश हमारा गुजर रहा है। मित्रों, कांग्रेस ने इस रैली को करके एक बहुत बड़ा काम किया। सबसे पहले मैं बिहार राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से कांग्रेस के यहाँ के नेताओं को बधाई देता हूं कि आपने कांग्रेस में जान फूंकने का काम किया। मित्रों, आज देश में फांसीवाद का सबसे ज्यादा खतरा बढ़ गया।
जो इसके खिलाफ बोलता है मरवा देता है या उसको जेल में ठूस देता है, चाहे डाभोलकर हो, कुलवर्गी हो, हमारे पार्टी के नेता गोविंद पंसारे थे या गौरी लंकेश हो, मरवा दिया। कन्हैया को देशद्रोह के मुकदमे में जेल में ठूस दिया, अभी फिर 3 बरस के बाद उस पर चार्ज सीटेड किया। यह है भाजपा का राज। इसने जो वादा किया था जनता से 14 के चुनाव में, एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इसने देश को दूसरे तरफ मोड़ना चाहता। देश के अंदर अभी आपने देखा होगा अखबारों में, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, इनके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है। अभी 21 फरवरी को इन्होंने घोषणा करवाया है कि हम राम मंदिर का नींव डालेंगे चाहे जितना खून हो। अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारता, गोडसे को माला पहनाता और गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाता, या फांसीवाद का खतरा। इसलिए मित्रों, आज देश में फांसीवाद का खतरा बढ़ गया। इसलिए आज सबसे जरूरी है भाजपा को हराना। हम लोगों ने भी पिछले 25 अक्टूबर को यहीं 2 से 3 लाख का रैली किया था, भाजपा हराओ देश बचाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, आज तमाम वाम जनवादी दल के लोग, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लोग बैठे ये इस मंच पर हैं, आज देश में जरूरी है भाजपा को हराना, देश को बचाना। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मोदी हराओ देश बचाओ, और इसके लिए तमाम वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक मंच पर आकर बिहार से कम एनडीए को रूटेड आउट करो। और ये हो सकता है यदि वाम जनवादी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों का मोर्चा बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद। अब हम बुलाने जा रहे हैं पिछले दिसंबर महीना में 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 5-0 से हारी, और उसमें 3 राज्यों में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उन्हीं 3 राज्यों के में से एक छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, परम आदरणीय भूपेश बघेल साहब को मैं आग्रह करता हूं कि आके बिहार कांग्रेस के इस रैली को संबोधित करें। कालवा बिहार एकदम गर्दा उड़ा देला हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय शरद यादव जी, आदरणीय जीताराम मांझी जी, सभी हमारे मंचस्थ नेतागण, उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, आदरणीय साथियों, पाटिल पुत्र से लेकर पटना तक, गौतम बुद्ध से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक बिहार ऐतिहासिक रहा है। एक जुमलेबाज पता नहीं कैसे कह दिया कि मैं गंगा पुत्र हूं, गंगा का बेटा हूं। गंगा के असली संतान तो आप हैं। जुमलेबाजों से बचना होगा। आदरणीय साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा, ये बिहार आध्यात्मिक और धार्मिक प्रणेता रहा है, संघर्षों के प्रतीक रहे हैं।
पटना हर संघर्ष से, हर संकट से जूझता और लड़ता रहा है। आज फिर देश में संकट के बादल गहरा रहे हैं। संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्था खतरे में है, किसान संकट में है, बेरोजगारी चरम पर है, संगठित लूट हो रही है। मुझे यकीन है कि बिहार फिर एक बार उठ खड़ा होगा। यह यकीन इसलिए भी अधिक है क्योंकि हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी होने का मतलब किसानों के संघर्ष, मेहनत का सम्मान। राहुल गांधी का मतलब गरीबों, मजदूरों और आदिवासियों के साथ न्याय। राहुल गांधी होने का मतलब गांव और गरीबों की चिंता। राहुल गांधी होने का मतलब अभिव्यक्ति की आजादी और निडर सोच। राहुल गांधी होने का मतलब देश में एक नई राजनीति की शुरुआत। आदरणीय साथियों, राहुल गांधी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हमने 3/4 बहुमत हासिल की है। उनके निर्देश पर 1.5 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी, शरद यादव जी, अशोक गहलोत जी हमारे छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण में गए थे। रायपुर से दिल्ली नहीं पहुंचे थे, हमने किसानों के 6,000 करोड़ ऋण माफ कर दिया। आदरणीय साथियों, यह राहुल जी का नेतृत्व था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान हम खरीद रहे हैं। बिहार में भी धान उत्पादन होता है, यहाँ की सरकार कितनी खरीदती है आप बताएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट से और भी अधिक, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा है। आदरणीय साथियों, मुझे यह संतोष है कि हमने स्वामीनाथन कमेटी से और अधिक की राशि से धान खरीदा है। आदरणीय यह भी कहना चाहूंगा कि राहुल जी ने जो भूमि अधिकरण बिल पास कराया, बस्तर में लोहानी गुड़ा में जो जमीन टाटा के लिए लिया गया था, 4,000 से अधिक एकड़ जमीन राहुल जी के नेतृत्व में निर्देश में हमने वापस कर दिया। ये देश की पहली घटना है। साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम गांव को मजबूत करना चाहते हैं, गाय की सेवा करना चाहते हैं, ग्वालों की सेवा करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है जो चरवाहों को भी मान दे देगी। आदरणीय साथियों, राहुल गांधी होने का मतलब अपने किए गए वादों को पूरा करना है। आदरणीय साथियों, जनता से किया गया वादा कोई जुमला नहीं होता। अच्छे दिन और 15 लाख देने की बात उन्होंने कही थी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। परसों बजट पेश हुआ, 500 रुपया दिया है, कहां 15 लाख देने का वादा और 500 रुपया दिया है। खुद को फकीर बताने वाले 10 लाख के सूट पहन रहे हैं, चौकीदार बताने वाले राफेल के घोटाले में फंसा हुआ है। सावधान रहिएगा, जागते रहिएगा। ये तड़ी पार जो चुनाव जीतने का मशीन अपने आप को बता रहे थे, छत्तीसगढ़ में वो चुनाव जीतने वाले मशीन को हमने खराब कर दिया है। अब आपकी पारी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में जितने गठबंधन के साथी हैं वो सब मिलके ये तड़ी पार और ये राफेल के घोटाले बाज को बाहर भगाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से पूरे बिहार की जनता को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत धन्यवाद बघेल साहब, वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश सानी जी इस सभा में आए हैं, लेकिन गला में खराश होने की वजह से वो नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने
महागठबंधन को जिताने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी को एक बार ताली बजा के इनका स्वागत कर दीजिए और आगे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं कि बिहार कांग्रेस के इस रैली को आकर अपना आशीर्वचन दें। हम सबके नेता राहुल गांधी जी, मेरे साथी अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मेरे साथी भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, मेरे बहुत पुराने साथी शरद यादव जी, हमारे यहाँ सब गठबंधन के साथी, हमारे कांग्रेस के नेतागण, मीरा कुमार जी, माजी जी, मदन मोहन जी, सदानंद जी, सभी यहाँ उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, बहुत सालों बाद आज मैं पटना आया हूँ। लगभग 30-35 साल हो गए जब मैं पहले पटना आया था और मुझे खुशी होती है आज यहाँ का उत्साह और जोश देखकर। मुझे इसलिए और भी खुशी होती है कि यहाँ पटना आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। अपने देश में 4.5 लाख गांव हैं और इन 4.5 लाख गांव में 3 चीजें मिलेंगी। 4.5 लाख गांव में एक तो पूजा का स्थल मिलेगा, दूसरा फूल का झाड़ मिलेगा और तीसरा कांग्रेस परिवार का सदस्य गण मिलेगा। तो आज जो ये भीड़ दिख रही है इस सभा में, जो आप सब आए हैं, ये लाए हुए लोग नहीं है, ये आए हुए लोग हैं। राहुल जी, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव चुनाव होता है। हर चुनाव लोकतंत्र का उत्सव होता है। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हमारे जिला परिषद का हो, पंचायत का हो, ये सब लोकतंत्र का उत्सव होता है। अभी हाल में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में प्रजातंत्र का उत्सव हुआ और मध्य प्रदेश की जनता ने, राजस्थान की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये उत्सव बड़े शौक से मनाया। मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और मध्य प्रदेश को कहां घसीटा गया? बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। मध्य प्रदेश के भोले भाले लोग, मध्य प्रदेश के सरल स्वभाव के लोग ने फैसला किया कि उन्होंने जो तस्वीर देखी, जो सच्चाई देखी, ये तस्वीर और सच्चाई देख के फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल की सरकार को घर बिठाया। राहुल जी ने आदेश दिया था कि कांग्रेस किस पटरी पर चलेगी। राहुल जी ने आदेश दिया था नौजवानों के बारे में। राहुल जी ने आदेश दिया था किसानों के बारे में। उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा का आदेश दिया था और पहला काम मुख्यमंत्री का पद संभालते हुए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगले 1 महीने में, आज 3 फरवरी है, 3 फरवरी है आज, 3 मार्च तक हम 30 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये राहुल जी का वचन था, राहुल जी ने आदेश दिया था। 3 मार्च के बाद जो बाकी लगभग 15 लाख किसान हैं, उनका कर्जा माफ करेंगे। आज सबसे बड़ी चुनौती
या मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में नौजवान है। नौजवानों में कितना उत्साह है, कितना जोश है। सबसे बड़ी चुनौती हमारा नौजवान और हमारा किसान है। हमारा नौजवान हमारे बिहार का और देश का निर्माण करेगा भविष्य में, और आज का भटकता हुआ नौजवान ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। आज का नौजवान में अपनी सोच है, आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं इनकी दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान इंटरनेट से जुड़ा है, आज का नौजवान में एक तड़फ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो अपने हाथों को काम चाहता है, व्यवसाय का मौका चाहता है। और मोदी जी ने क्या क्या बातें करी थी, कितने नारे दिए थे। मैं तो हर जगह एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मोदी जी के नारे 5 साल पहले क्या थे। मेक इन इंडिया, याद है ना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। यहां कोई है मेक इन इंडिया वाला? यहां कोई है डिजिटल इंडिया वाला? यहां कोई है स्किल इंडिया वाला? इतना बड़ा धोखा सबसे पहले मोदी जी ने हमारे नौजवानों को दिया। हमारे कृषि क्षेत्र में दित्ती आत्महत्या अपने देश में होती है, दित्ती आत्महत्या हमारे किसानों में अपने देश में होती है, उत्ती अफ्रीका में भी नहीं होती। और मोदी जी अब कहते हैं, मैं तो उन्हें आज जवाब देना चाहता हूं, कहते हैं, कल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का कर्जा माफ बहुत बड़ा घोटाला है। मोदी जी आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो आपकी सरकार की सहमति से फर्जी ऋण दिया गया ये आज पकड़ में आ रहा है। और आप कहते हैं कि 13 रुपए कर्जा माफ कर रहे हैं हम। मोदी जी जानकारी ले लीजिए, शोभा नहीं देती ये बात, जानकारी ले लीजिए कि अभी तक तो कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा तो आगे माफ होगा और हम इसका खुलासा करेंगे। हम इसका खुलासा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किस प्रकार के फर्जी ऋण दिया जाता था और उसके कौन कौन भागीदार हुआ करते थे। आज मोदी जी आपको इन नौजवानों की पीड़ा नहीं दिखती, उनकी आंखें नहीं चलती। मोदी जी आपको किसान की पुकार नहीं सुन, आप नहीं सुन सकते, आपके कान नहीं चलते, कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। ये आज कलाकारी की राजनीति आपको पहचाननी है, और ये कलाकारी की राजनीति से मैं नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं कि भविष्य आपका है। कलाकारी की राजनीति बहुत हो गई। अभी तेजस्वी जी कह रहे थे 15 लाख की बात कर रहे थे, नौजवानों की बात कर रहे थे, अच्छे दिन की बात कर रहे थे। आपने तो तेजस्वी जी आपने तो गंगा साफ की बात नहीं कही। कहते थे हम गंगा साफ करेंगे, गंगा तो साफ हुई नहीं, बैंक साफ हो गए, अपने देश के बैंक साफ हो गए। जिनकी नियत साफ नहीं है वो कौन सी गंगा साफ करेंगे, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं। और आज मैं एक ही प्रश्न पूछता हूं, और एक ही प्रश्न आज के नौजवान और किसान पूछते हैं कि मोदी जी और नीतीश जी, किसान बिना दाम के, किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, जनता तो पूछ रही है मोदी जी और नीतीश जी आप किस काम के, ये आज प्रश्न हमारे सामने है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये तस्वीर रख लीजिएगा आपके सामने, अपने भविष्य को सुरक्षित रखिएगा, तस्वीर अपने सामने रखिए, सच्चाई का साथ दीजिए। यही हमने मध्य प्रदेश में कहा था कि सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई का साथ दीजिए, और कांग्रेस और उसके गठबंधन को आप मौका दीजिएगा,
आज तो यहां से ब्यूगल बजा है, ब्यूगल बजा है आगे आने वाले चुनाव का। और मुझे पूरा विश्वास है जो यहां सब लोग हैं, आप सब ने अगर अपनी कमर ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता। अगले 3 महीने में बिहार की विधानसभा में राहुल जी और लालू जी का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अब आगे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री जो अति पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, मोदी जी की तरह नहीं कि चुनाव के समय में अगड़ी बिरादरी और बाद में अपना जात बदल लेते हैं। हम आदरणीय अशोक गहलोत साहब से आग्रह करते हैं कि बिहार कांग्रेस के इस रैली को अपना आशीर्वचन दें। हमारे महबूब नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोयल साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा साहब, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सदानंद बाबू, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी यादव जी, आदरणीय मीरा कुमार जी, आदरणीय शरद यादव जी, एमएन परेश साहब, आदरणीय जीतन राम बांझी जी, निखिल कुमार जी, भाई तारिक अनवर जी, राम कुमार जी शर्मा, मुकेश जी सानी जी, सत्यनारायण सिंह जी, अवधेश कुमार जी, डॉक्टर शकील अहमद जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, रंजीत रंजन जी और तमाम उपस्थित हमारे समाज मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में कांग्रेस की इतनी बड़ी सभा को, जहाँ लाखों लोग आए हों, उसको देख करके मैं ही नहीं बल्कि आज पूरा बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश अभिभूत हो रहा है। लंबे अरसे बाद में कांग्रेस को रैली करने का एक अवसर मिला और आप सबके सहयोग से जो ये लोग खड़े हैं, ये बैठे हुए हैं, आप सबके आशीर्वाद से, आपके सबके सहयोग से, समर्थन से, उसके कारण से आज ये रैली बहुत कामयाब हो सकी है। उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये रैली है आगे चुनाव आ रहे लोकसभा के भी, देश की तकदीर का फैसला होगा। ये कोई मामूली रैली भी नहीं है, रैली एक संदेश देगी पूरे देश को। बिहार की पटना की रैली ने एक मैसेज दिया है, हालात क्या है देश को उसका चिंतन करने का, किस प्रकार पिछले चुनाव में धोखा दिया गया देश को, काला धन लेके आएंगे विदेशों से, 1 रुपया लेके नहीं आए मोदी जी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे उसका पता ही नहीं है, खाते में पैसा डाल देंगे 15 लाख रुपए, वो धोखा साबित होगा, जुमला साबित होगा। कथनी में करनी में अंतर सामने आ गया। जिस प्रकार से आज देश में 2 लोग राज कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह जी, लोकतंत्र में संभव है, आप खुश हो सकते हैं। जिस प्रकार से आज देश के अंदर शासन चल रहा है, पूरा मुल्क चिंतित है कि पहली बार हम लोग इन नेताओं के मुंह से असत्य सुन रहे हैं, इन नेताओं के वादे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, जुमले बोलने मास्टर लोग हैं, ये फासी की सोच वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, इसीलिए ये लोग जनता को धोखा देकर के सत्ता में आ गए। अब इनकी पोल खुल चुकी है पूरे देश के अंदर,
आज देश में नफरत, घृणा, हिंसा की राजनीति हो रही है, देश में अविश्वास का माहौल है। ये राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने देश का एजेंडा अगले चुनाव के लिए फिक्स कर दिया है। वो एजेंडा है नंबर एक, कैसे किसानों का भला हो, किस प्रकार उनका कल्याण हो। नंबर दो, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले। पूरे देश के अंदर न्यूनतम आमदनी का हर व्यक्ति को हो, हर परिवार को हो, ये अपना अपने क्रांतिकारी विचार है उनका। देश में जिस प्रकार से हिंसा का माहौल है, नफरत का माहौल है, राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं हमारी किसी से अदावत नहीं है, हम चाहते हैं प्यार से, भाईचारे से, सद्भाव से राजनीति हो। लड़ाई हमारी विचारधारा की है, नीतियों की, सिद्धांतों की है। इसलिए आप लोगों को एक संदेश देना, राहुल गांधी जी भी बोलेंगे, पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के किस प्रकार से आपने एक संदेश देने का काम किया कि आने वाले वक्त में क्या फैसला करना है देश की जनता को, बिहार की जनता को। हम लोग भारी तादाद में जीत के जाएं, इनकी पोल खुल चुकी है, आप देखेंगे कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस देश की जनता बहुत समझदार है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, अनपढ़ हो सकती है, पर अकल होशियारी के अंदर, रॉबर्ट कॉमन सेंस में इस देश की जनता का और विशेषकर बिहार की जनता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिहार तो श्री कृष्ण बाबू लगा करके लंबे समय तक आपने यहाँ शासन देखे हैं, या पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, तमाम लोग इसी ऐतिहासिक मैदान में आकर के बोले हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा, समय आ गया है कि आप लोग सब एकजुट होकर के आज जो नई शुरुआत करी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, जहाँ साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके सारे आज इतनी बड़ी शानदार रैली हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी जी ने, तो राफेल का हो, कोई जवाब नहीं है मोदी जी के पास में। और तमाम लोगों को दिमाग में आ चुका है, इन लोगों रहते हुए संविधान को खतरा है, देश को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा है, उसको आप कांग्रेस को समझ करके आगे बढ़ना है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। इस रैली के अभियान में पिछले एक महीने से दिन रात हम लोगों के साथ मेहनत करने वाले AICC के सम्मानित प्रभारी, बिहार मामलों के प्रभारी आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब से मैं आग्रह करता हूं कि वो आकर आप सबों को संबोधित करें। मेरे साथ जोर से बोलिए, राहुल गांधी। हम तो सरसों का तेल खाते हैं, गला बड़ा पावरफुल होता है बिहारी का, तो बिहारी बाबू की आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, राहुल गांधी। बिहार की ये भूमि ज्ञान और मोक्ष की भूमि है, ये दार्शनिक राजा जनक और सीता मैया की भूमि है, ये भगवान बुद्ध, चाणक्य जी और ऋषि वाल्मीकि जी की भूमि है, और बिहार की ये भूमि महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि है। ऐसी बिहार की भूमि को शत शत नमन करता हूं। ये वो गांधी मैदान है जिस गांधी मैदान में आम आदमी को आने जाने नहीं दिया जाता था, गोल्फ था, सिर्फ अंग्रेजों के लिए गोल्फ का ग्राउंड, महात्मा गांधी जी ने आम आदमी के लिए गांधी मैदान खोला। ये वही गांधी मैदान है जहां से इंदिरा गांधी जी ने ऑपोजिशन की मूवमेंट करके फिर से कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया था, वो गांधी मैदान है। और आज ऐसे ही संविधान को बचाने के लिए,
देश की जरूरत है और राहुल गांधी जी यही गांधी मैदान में आए हैं, इनका सभी बिहार वासियों की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। लड़ाई जो है वो एक सोच की है, एक विचारधारा की है। एक विचारधारा है जियो और जीने दो, वो राहुल गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा है। और एक दूसरी विचारधारा है जो मोदी और भाजपा की है कि जियो और मार डालो, कत्लेआम कर डालो, वो मोदी की विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा। यहां पे दो और आप देखिए, एक पाक साफ नेता राहुल गांधी जी है जो दिल से सोचते हैं, वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, ये राहुल गांधी जी है। तीन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनाव से पहले कहा किसान का कर्जा माफ करेगी मेरी सरकार, 10 दिन में करेगी। ये तीनों मुख्यमंत्री बैठे हैं, राहुल गांधी जी ने 10 दिन कहा था, 3 दिन में करके दिखाया किसान का कर्जा माफ, 3 राज्यों में राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। और दूसरी और भी एक विचारधारा है, चुनाव आता है, ख्वाबों की बारिश होती है। भाइयों बहनों, मित्रों, वो भी है जुमलों की बारिश, ख्वाब दिखाओ और चुनाव में वोट बटोरने के बाद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि चुनाव के वक्त हम कहते हैं वो करना थोड़ा ही होता है, वो तो चुनावी जुमले होते हैं। मेरी आपसे विनती है, देश सारा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, पूरा देश चाहता है और कहता है दिल से, जुमलेबाज जाएंगे, सच्चे दिन आएंगे। बोलेंगे मेरे साथ? बोलेंगे? मैं बोलूंगा जुमलेबाज, आप कहोगे जाएंगे, मैं कहूंगा सच्चे दिन, आप कहोगे आएंगे। जुमलेबाज, और जोर से, जुमलेबाज, सच्चे दिन, सच्चे दिन, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ने साथ, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद दिया, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिंदुस्तान के भविष्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, अपने प्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाने से पहले मैं भी पूरे बिहार वासियों के तरफ से नारा लगवाना चाहता हूं, राहुल गांधी। और जोर से लगा दीजिए, राहुल गांधी। ऐसा नारा लगना चाहिए कि ये मोदी का विदाई रैली है और आने वाले समय में राहुल जी का अभिनंदन रैली है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने समय दिया, उसी तरह से पूरे सूबे बिहार से सभी बिहारवासी आपको सुनने और देखने आए हैं। अब हम आग्रह करना चाहते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो आकर पूरे बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी। मदन मोहन झा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, मीरा कुमारी जी, शरद यादव जी, माझी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और वहां जो कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं, और आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत।
शुरू करने से पहले मैं बिहार के कांग्रेस पार्टी की यूनिट को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐतिहासिक रैली, जबरदस्त ऐतिहासिक रैली बिहार में करके दिखा दी और एक साथ मिलकर आपने ये काम किया। कांग्रेस पार्टी एक है और मैं हमारे हर कार्यकर्ता को, हर नेता को और गठबंधन के हमारे सब नेताओं को दिल से धन्यवाद करता हूं कि बिहार में अब विपक्ष की सरकार आने वाली है। सब लोग मिलकर बिहार से बीजेपी और नीतीश जी को हटाने जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है, इसके गहरे कारण है। बड़े बड़े वायदे किए, जहां जाते हैं मोदी जी कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं। नीतीश जी की भी आदत है। कुछ दिन पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है और धड़ाधड़ 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई, किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं, पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए, किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है और धड़ाधड़ पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो, नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो, मेहुल चौकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो, विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो और फिर ताली बजाते हो कि हां हमने बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी मुस्कुराते हैं। भाई और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया। 8 बजे रात को मोदी जी टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों 500 रुपए का नोट, 1,000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा, काला धन बदलना है, 500 का नहीं चलेगा, 1,000 का नहीं चलेगा, इसको मैं रद्द करूंगा, मुझे तो 2,000 रुपए का नोट चाहिए। काले धन को सफेद करना है, ये मेरे 15-20 मित्र हैं, अरबपति हैं, 2,000 रुपए के नोट की जरूरत है। आपको लाइन में खड़ा किया, आपसे कहते हैं बैंक के सामने खड़े हो, महिलाओं से कहते हैं आपका जो पैसा है, जो आपने बचा के रखा, वो आप बैंक में डालो। किसान से कहते हैं खेत में मत जाओ, 4-5 दिन बैंक के सामने खड़े हो, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको लाइन में खड़ा किया, आपके जेब में से पैसा निकालते हैं, बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, अनिल अंबानी, डायरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, भाई और बहनों। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, 15 लाख रुपए आपको मिलेगा, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा। मिल गया,
है यहाँ पे कोई जिसको 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले ना, मगर किसानों को 3.5 रुपए, एक परिवार को 17 रुपए। अपमान किया है आपका, अपमान किया है बिहार का, हिंदुस्तान के किसान का। मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देखिए। आज कमलनाथ जी मुझे बता रहे थे उद्योगपतियों के लिए बीजेपी के सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया, मगर किसानों का 1 रुपया नहीं माफ किया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1 रुपया नहीं माफ किया। नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया नहीं माफ किया। हमने इलेक्शन में वायदा किया था, 15 लाख का वायदा नहीं था, झूठा खोखला वायदा नहीं था, नरेंद्र मोदी वाला वायदा नहीं था। हमने साफ कहा था, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, और कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। भाइयों और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, कमलनाथ जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया, बघेल जी ने उनके एकदम बाद 1 दिन के अंदर काम कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर काम कर दिया। 2 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ करता है, हिंदुस्तान का किसान एक के बाद एक हाथ जोड़ के कहता है उनसे, हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दो। अरुण जेटली जी कहते हैं, नहीं हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते, चिल्लाना है जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ नीरव मोदी अनिल अंबानी का करेंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का दौरा लगता था, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, एक के बाद एक दौरे लग रहे हैं, हवाई जहाज में जाते हैं चले जाते हैं वापस आते हैं। अब सच्चाई पता लगी है। भाइयों और बहनों, ये देखो बोलने से पहले धड़ाम से, पहले नारा लगता था अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार 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 चौकीदार। फ्रांस जाता है वहां चोरी करवाता है, अमेरिका जाता है वहां आर्म्स डील कराता है चोरी कराता है, इंग्लैंड जाता है वहां आर्म्स डील करा के चोरी कराता है। भाई और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर, 1,00,000 करोड़ रुपया, मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो, 3 बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों को रोजगार दे सकते हो, उतना पैसा अनिल अंबानी स्वयं ले गया उठा के। एचएल को कांग्रेस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कांग्रेस पार्टी ने फ्रांस की सरकार से साफ कह दिया था, देखिए राफेल हवाई जहाज अच्छा है, 126 हवाई जहाज चाहिए, 526 करोड़ रुपए 1 हवाई जहाज के लिए देंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, बिहार के युवाओं को फायदा होगा, कर्नाटक के युवाओं को फायदा होगा, ओडिशा के युवाओं को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। पूरा मामला तैयार था, 126 हवाई जहाज मिलने थे। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, डायरेक्ट भैया हवाई जहाज में जाता है फ्रांस, जैसे अभी आपने हवाई जहाज देखा
ऐसे हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ छोटे से हवाई जहाज में अनिल अंबानी, डबल। फ्रांस में लैंडिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के निकलते हैं, पहले हॉलैंड जी से गले लगते हैं, गले मिलाते हैं तीन बार, फिर कहते हैं हॉलैंड जी आइए बैठिए मेरे साथ। हॉलैंड जी बैठते हैं, कहते हैं देखिए ये 526 करोड़ रुपए छोड़ो, हम आपको 1600 रुपए देंगे, 1600 करोड़ रुपए देंगे, एचएल को परे करो। अनिल अंबानी है उसको आप हवाई जहाज दो, राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, हां चाहिए साहब, तो अनिल अंबानी को दिलवाओ, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला। मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं काम करूंगा, मगर अनिल अंबानी को दे देना। नरेंद्र मोदी जी वापस आते हैं, परिकर जी कहते हैं भैया मुझे नहीं मालूम, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोग कहते हैं भैया ये क्या कर दिया, 8 साल से हम लगे हुए हैं, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज, देखो हवाई जहाज जा रहा है। ऐसे गए थे नरेंद्र मोदी जंबो जेट में फ्रांस गए थे, 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं, शर्म की बात है। 30,000 करोड़ रुपए उसकी जेब में, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में, 3.5 रुपए एक व्यक्ति परिवार के एक व्यक्ति को, चौकीदार चोर है पूरा देश जानता है। बिहार आते हैं और आप अपनी जगह पहचानिए, आपको अपनी जगह नहीं भूलनी। ये नालंदा यूनिवर्सिटी की जमीन है, यहां पहले पूरी दुनिया से लोग आया करते थे शिक्षा के लिए, पूरी दुनिया से लोग बिहार आते थे। आप अगर आप पूछते नालंदा के समय, अगर आप पूछते भैया यूरोप में, इंग्लैंड में, आप पूछते भैया किसी युवा से पूछते कहां पढ़ाई करनी है, वो आपसे कहता मैं बिहार में जाके पढ़ना चाहता हूं। और आज जब आपके लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहा जाता है ना 3 साल, 4 साल, 5 साल, नहीं आपको नहीं मिलेगी डिग्री, नहीं मिल सकती आपको, आपको तो 5-6 साल में डिग्री मिलेगी। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर नहीं है, पूरा ढांचा बंद पड़ा हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी, नहीं नहीं आप थोड़ा जोर से बोलो क्योंकि आपका काम है वो पूरा करना है। पटना यूनिवर्सिटी जो पूरे देश को रास्ता दिखाती थी, उसकी हालत बिहार का हर व्यक्ति पहचानता है। नरेंद्र मोदी जाते हैं कहते हैं 21वीं सदी में हम शिक्षा को बदल देंगे, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, स्वच्छ भारत, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मोदी जी आपने पटना यूनिवर्सिटी के लिए क्या किया है बता दो मुझे, बिहार के युवाओं को आपने कितना रोजगार दिया? आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल में रोजगार दूंगा, यहां पे कोई युवा है जिसको नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया हो? ना। देखिए मैंने वहां पे वायदा किया था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। अब आप एक वायदा सुन लीजिए, पटना की जनता सुन लीजिए,
मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा। भाई और बहनों, बेरोजगार, देखिए आप पहले शिक्षा का सेंटर हुआ करते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर, पटना यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में मशहूर, सब लोग यहां आना चाहते थे, मगर आज आप शिक्षा के सेंटर नहीं हो। आप जानते हो आज आप किस चीज के सेंटर हो? बेरोजगारी के। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। बिहार का युवा पूरे देश में चक्कर काटता है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो, भैया करते क्या हो? जवाब मिलेगा, कुछ नहीं करते। मोदी जी ने रोजगार दिया ना? नीतीश जी ने रोजगार दिया ना? अच्छा भैया, कोई आपसे कहेगा हां भैया मैं रोजगार ढूंढने गुजरात गया, मोदी जी के गुजरात गया, वहां मुझे कहा तुम बिहार के हो, मुझे मार के वहां से भगाया गया। महाराष्ट्र गया, वहां से मुझे बीजेपी शिवसेना के लोगों ने मार के भगाया, कहा वापस भगा बिहार जाओ, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मगर आप में कोई कमी नहीं है, आप एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बन सकते हो। एक समय हुआ करता था बिहार का किसान 27% देश की 27% चीनी आप देश को देते थे, आपका किसान देता था, आज 2% चीनी देते हो आप देश को। आपसे शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, कृषि छीन ली। लंबे लंबे भाषण होते हैं, मोदी जी कहते हैं किसान को मैं सही दाम दिलवाऊंगा, बोनस छीन लिया। अच्छा, देश में नया फैशन चला है मोदी जी ने, किसान अपनी जेब से पैसा दे, बीमा के लिए पैसा दे, हर गांव में हर प्रदेश में अपने जेब से पैसा निकाल के बीमा के लिए दे, के भैया कभी बारिश आएगी, ओला गिरेगा, आंधी आएगी, मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। पता लगता है वो भी पैसा अनिल अंबानी की जेब में, नीरव मोदी की जेब में। बारिश आती है, ओला गिरता है, किसान को कहा जाता है भैया देखो आपने पैसा दिया था, आपका पैसा है, मगर हमने वो नीरव मोदी को दे दिया, अनिल अंबानी को दे दिया, अब आंधी आई है, आप जानो आपका काम जाने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मैंने साफ कह दिया है, पहली हरी क्रांति हरियाणा पंजाब में हुई थी। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, पूछिए भैया अब देश को भोजन कौन देता है, बताएंगे पंजाब हरियाणा देता है। मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया है दूसरी हरी क्रांति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होगी, और उसमें मैं एक और प्रदेश जोड़ना चाहता हूं, उसमें मैं बिहार का भी नाम जोड़ना चाहता हूं। देखिए 2 दिन में कर्जा माफ किया है, 3 दिन नहीं लगे, 2 दिन, और मैंने कह दिया है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हमने जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किया था वो हम पूरे हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है नरेंद्र मोदी जी, जितने भाषण देने दे दो, आपने 4.5 साल में कुछ नहीं किया,
आपने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, आपने अनिल अंबानी नीरव मोदी को पैसा दिया, राफेल की चोरी की, अब जितने भाषण देने दे दो, 17 रुपए से काम नहीं बनने वाला, किसान का अपमान करोगे, किसान आपको जवाब देगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नरेंद्र मोदी को, इन प्रदेशों के किसान ने जवाब दे दिया है, हमें नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, हमें बीजेपी नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी चाहिए। और आपकी आवाज सुनकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कारखानों का हर डिस्ट्रिक्ट में हम जाल बिछाने जा रहे हैं। जहां आलू उगाया जाता है वहां आलू की चिप्स की फैक्ट्री, जहां टमाटर उगता है वहां टमाटो केचप की फैक्ट्री, जहां सोयाबीन उगाया जाता है वहां पे सोयाबीन तेल की फैक्ट्री, जहां गन्ना उगाया जाता है वहां चीनी की मिल, जो पूरी की पूरी यहां पे बिहार में बंद पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एक के बाद एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री खुलेगी, जाल बिछा देंगे वहां पे, किसान जाकर सीधा फैक्ट्री में अपना माल बेचेगा, उसको सही दाम मिलेगा। और अगर आप मौका देंगे तो बिहार में भी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, मांझी जी, कुशवाहा जी का जो गठबंधन है यही काम करके आपको दिखा देगा। और ये पहला कदम है, ये मीटिंग पहला कदम है हमारे लिए। कांग्रेस पार्टी भाइयों और बहनों, मैंने उत्तर प्रदेश में कह दिया है, कांग्रेस पार्टी बैक फुट पे नहीं फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। मिलकर तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी और हम छक्का मारेंगे। और अब आखिरी बात ऐतिहासिक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, ऐतिहासिक बात। किसानों की बात मैंने की, युवाओं को रोजगार की बात की, जो सबसे बड़ा सवाल है देश के सामने, सबसे बड़ा सवाल, चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, नरेंद्र मोदी पूरे देश में 450 युवाओं को देता है। पूरे देश में भाई और बहनों 450 युवाओं को 24 घंटे में नरेंद्र मोदी रोजगार दे पाता है, शर्म की बात है। मतलब ये जो स्टेज है इस पे 450 लोग बैठे हैं, पूरे देश में इतने लोगों को नरेंद्र मोदी 24 घंटे में रोजगार देता है। ये बदलना है। मगर फिर से मैं आपको ऐतिहासिक कदम के बारे में बोलना चाहता हूं। हमने आपको, कांग्रेस पार्टी ने आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया, इंटरनेट रेवोल्यूशन दिया, IIT, IIM, IIS, मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऐतिहासिक काम हमने किए हैं। हम नरेंद्र मोदी वाली राजनीति नहीं करते, हम जब मन बना लेते हैं तो हम ऐतिहासिक काम करते हैं। और मैं आपको एक ऐतिहासिक काम के बारे में बताना चाह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है भाई और बहनों, और इसको आप अच्छी तरह सुनिए, और आप अपने परिवार को, लोगों को, मित्रों को, सबको बताइए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में अरबपतियों को करोड़ों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, 35,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी, 30,000 करोड़ रुपए मेहुल चौकसी, इन लोगों के पास आमदनी की कोई कमी नहीं। मतलब धन की कोई, तेजस्वी भी बोलूंगा, धन की कोई कमी नहीं है, जो भी ये चाहते हैं इनको मिलता है, और हिंदुस्तान की गरीब जनता देखती रह जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को,
हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देगी, मतलब कम से कम आमदनी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखाएगी। नरेंद्र मोदी 3.5 रुपए देता है अनिल अंबानी को 1,00,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस पार्टी की सरकार हर गरीब व्यक्ति को मिनिमम इनकम की गारंटी देने वाली है। ऐतिहासिक काम है, किसी भी देश ने आज तक दुनिया की हिस्ट्री में यह काम नहीं किया है। हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक साथ ये काम करने जा रही है। अब मैं अंत में तेजस्वी जी, माझी जी, कुशवाहा जी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए तेजस्वी जी युवा नेता हैं, काम करके दिखाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सही बात है, गलत बात है, झूठ नहीं बोलते हैं। और हम सब मिलकर इज्जत से, प्यार से मिलकर एक साथ लोकसभा में और उसके एकदम बाद विधानसभा में गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार में लोकसभा में, भैया मुझे साफ बता दो, गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी? साफ बता दो, कितनी सीटें मिलेंगी गठबंधन को? यहां पे ना बीजेपी को ना नीतीश जी को एक भी सीट मिलनी है, पूरी की पूरी सीट गठबंधन को मिलनी चाहिए। पक्का? कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने सालों बाद इतनी ऐतिहासिक, इतनी शानदार मीटिंग की। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आदरणीय राहुल जी के संबोधन के बाद हम सभी बिहार की महान जनता को, बिहार कांग्रेस के सभी नेताओं को और कांग्रेस में आए नए मित्रों को, पप्पू खान और कुछ सम्मानित विधायक साथियों का, सबका दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सबों को फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।